नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अपने साथी मनीष सिसोदिया का घर छीनने वाले केजरीवाल साहब के आलिशान महल जिस पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिर कैसा है केजरीवाल के सपनों का महल, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। इस आलिशान महल में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं जो रिमोट या सेंसर की मदद से अपने आप खुल जाएंगे ताकि केजरीवाल या उनके स्टाफ और सगे संबंधियों को दरवाज़ा खोलने की जहमत ना उठानी पड़े, किसी को सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, इसलिए केजरीवाल जी ने महल के भीतर लिफ्ट का भी इंतजाम करवाया है। आप इन तस्वीरों में बड़ी बड़ी बालकनियां देख सकते हैं, साथ ही एक बड़ा लॉन भी है। शीश महल का ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा और आलिशान है। इसमें 7 सीटों वाले सोफे लगे हुए हैं जो वियतनाम से आए हैं। इतना ही नहीं, रूफटॉप यानी छत पर भी भव्य कारीगरी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर घर के इंटीरियर डेकोरेशन पर 11.30 करोड़, इंपोर्टेड मार्बल पर 6.02 करोड़, इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ और 2.58 करोड़ के लाइट पंखे, वहीं 1.10 करोड़ का रसोई खर्च और वार्डरोब, जबकि फिटिंग पर 1.41 करोड़ और फायर फाइटिंग सिस्टम पर लगे 2.85 करोड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शीश महल इतना आलिशान है कि किसी यूट्यूबर या किसी न्यूज चैनल को जाकर बाथरूम में लगी टाइल्स या बाथ टब का एक वीडियो तो बना लेना चाहिए। ये वही आम आदमी हैं जो सरकारी आवास छोड़कर कहते थे कि सरकार मेरे लिए छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। आपको यकीन नहीं होता तो छोटे घर की चाह रखने वाले केजरीवाल के मुँह से ही सुन लीजिए। और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करें। केजरीवाल झूठा आश्वासन देते थे कि चिंता मत करो, मैं इतनी सी जगह लूंगा, इतना सा मकान लूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा, मैं इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। एक दौर था जब वे यह भी कहते थे कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए लेकिन उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वे कहते हैं कि उन्हें अपनी औकात पता है, वे छोटे आदमी हैं, उनकी छोटी सी औकात है। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज जब केजरीवाल का शीश महल सामने है तो केजरीवाल के शब्दों वादों को दोहराना और याद दिलाना आवश्यक हो जाता है कि भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और छोटे आदमी आम आदमी का ढोल पीट कर सत्ता में आए एक्टिविस्ट देश के एक एक टैक्स पेयर को ठग कर अपनी छोटी औकात को इतने कम समय में इतनी बड़ी कैसे कर लेते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण सामने है। एक समय था जब केजरीवाल कहते थे कि हफ्ते भर के भीतर पार्टी को मिले चंदे की डिटेल्स पार्टी की वेबसाइट पर होगी। हमने तय किया है कि हफ्ते भर के अंदर, आज चंदा आया, हफ्ते भर के अंदर उस चंदे की डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर होनी चाहिए। आज जब केजरीवाल सरकार से उपराज्यपाल 45 करोड़ का हिसाब मांगते हैं तो वे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर कोतवाल से ही हिसाब मांगने लगते हैं, जबकि हिसाब केजरीवाल को देश के उस आम आदमी को भी देना चाहिए जो एक एक रुपया जुटाकर ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है और केजरीवाल उस टैक्स के पैसे से अपने सपनों का महल तैयार करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।